आज ये एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो पहले आपको इसको हम चला के बताते हैं। तो आप देखिए, इसके अंदर जो सप्लाई है वो यहाँ से आ रही है, ये अडाप्टर से, जिसमें ये रेड LED ऑन हो रही है यहाँ से। और इसमें यहाँ पर जो है, मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ, तो इसमें यहाँ पर इनपुट में जो है वो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इनपुट में यहाँ पर जो है 12 वोल्ट आ रहा है। तो रेड वाले में जो है 12 आ रहा है और यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। और ये ग्राउंड वाले वायर्स यहाँ से दोनों कनेक्टेड हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है ट्रेनिंग में सीखेंगे। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर कि मैं इस बटन को जब प्रेस करता हूँ, तो ये मैंने प्रेस किया, ये देखिए मैंने यहाँ प्रेस किया, तो LED ऑन हो गई और थोड़ी देर में ये जो है वो बंद हो जाएगी। ये देखिए बंद हो गई। एक बार फिर से मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये प्रेस किया तो ये ऑन हो गई। तो यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको आपका जो कूलर है, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी की मोटर कंटिन्यू चलती रहती है, तो जो है वो पानी ढुलने लगता है उसके अंदर। तो हम उसमें कोई ऐसा सेंसर लगा दें कि जैसे ही पानी जो है ऊपर भर जाए, तो थोड़ी देर के लिए जो है मोटर को बंद कर दें और फिर से वापस से चालू हो जाए। तो ये एक टाइमर सर्किट है जो टाइम सेट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको पोटेंशियोमीटर को यहाँ से रोटेट करता हूँ, तो देखिए मैं थोड़ा सा, देखिए मैंने इसको जैसे ही अभी यहाँ पे हिलाया, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और फिर से चालू करता हूँ और देखते हैं क्या जल्दी बंद होगा। ये देखिए थोड़ा सा पहले से जल्दी बंद हो गया। या इसको मैं और रोटेट करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए मैंने इसको और रोटेट किया है ना। और फिर इसको दबाते हैं तो देखते, देखिए और जल्दी बंद हो चुका है ना। तो ऐसे हम इसके अंदर टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो IC है, ये एक 555 टाइमर IC है और ये ट्रिगर लेता है इससे, और ये पोटेंशियोमीटर है जो आपने बेसिक्स अभी तक पढ़ा होगा। तो ये थोड़े से रिविज़न के लिए आपका वीडियो था। और यहाँ पर ये जो वोल्टेज रेगुलेटर IC के बारे में आपने पढ़ा था, तो ये वो है ना। इसमें क्या होता है कि ये आपको इनपुट में 12 वोल्ट लेती है और आउटपुट में 5 दे सकती है। तो ये 12 यहाँ से ले रही है, और इधर ये जो वायर यहाँ पे दिख रहा है पीछे ब्लैक, जो रेड पे जा रहा है, वहाँ से आपको 5 मिल रहा है पूरे सर्किट में। ये देख सकते हो आप कुछ ऐसे, है ना। तो वो 5 वोल्टेज जो है वो यहाँ से होता हुआ, मतलब इस लीड से होता हुआ यहाँ अंदर आ रहा है और पूरे सर्किट में जा रहा है। और ये वाला वायर यहाँ से, ये देखिए यहाँ से 5 भी आ रहा है, ये 5 आ रहा है रेड पर और ये ग्राउंड आ रहा है। तो ये ग्राउंड भी यहाँ से जा रहा है और ये पूरा इस तरह से चल रहा है। और ये आपका कैपेसिटर है जो वैसे तो काम करता है चार्ज को स्टोर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस चार्ज का यूज़ टाइमिंग के लिए किया जा रहा है। तो ये बेसिक्स में आप समझ सकते हो कि कैसे इसको जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। और इस सर्किट का नाम है डिले टाइमर जनरेटर सर्किट, जिसको हम वेरियस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी हमको टाइम का यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना के समय एक ऐसा बॉक्स आया था जिसमें UV लाइट निकलती है, तो आपने क्या करा, आपका वॉलेट की या कुछ भी चीज़ उसके अंदर रख दी और बटन प्रेस कर दिया, तो UV लाइट ऑन हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ही बजर ऑन हो जाएगा। तो उससे ये रहेगा कि UV लाइट थोड़ी देर बाद ऑन होके बंद हो गई, और अब आप बजर ऑन हो गया है, मतलब आप अपने पर्स को निकाल सकते हैं। और UV लाइट इसलिए बंद हुई क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी पर UV लाइट जब गिरती है तो क्या होता है, वो हार्मफुल होती है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो है हम और भी चीज़ें समझ सकते हैं। थैंक यू।